प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सप्ताह 13 की वर्कशीट। विषय है बच्चों हिंदी। कक्षा 5वीं की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपविषय जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो बच्चों, इस विषय की हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मलमली धोती का रंग कैसा खिल उठा। तो देखिए बच्चों, बादामी मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा। इला की हिम्मत की मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, तो अनूठी मिसाल है। इला ने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। 15-16 साल की होते होते इला खालिस्तान कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। तो बच्चों, कैसी कशीदाकारी में, काठिया वाड़ी। पारंपरिक डिज़ाइनों में नवनीता सभी को बहुत बधाई, नवीनता। इला के विश्वास और धैर्य से खालिस्तान को भी झुटला दिया। तो बच्चों, इला के विश्वास और धैर्य से किसको झुटला दिया, कुदरत को भी। ठीक है, बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह तो अब उसके साथ खेल सके। इला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना। अगला प्रश्न दो, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। इला सचानी ने मलमली की धोती को बैल बूटों से सजाया, बिल्कुल सही। इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई, गलत। बच्चों से बहुत परेशानी हुई थी। इला को परीक्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई, बिल्कुल गलत। एक समय ऐसा आया जब इला के काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, बिल्कुल सही। 10वीं कक्षा की परीक्षा पास न होने पर इला ने निराश होकर कशीदाकारी छोड़ दी, बिल्कुल गलत। बच्चों, उसने नहीं छोड़ी थी कशीदाकारी, उसने अपनी कंटिन्यू रखी थी। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 3, पाठ में बहुत से कामों के नाम आए हैं जैसे दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को क्या करना है, आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं उनकी सूची बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे काम आपको दिए गए हैं। इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं, जैसे पौधों में पानी लगाना, बाजार से सामान लाना, घर की सफाई करना, बिस्तर ठीक करना। इस तरह से बच्चों बहुत सारे काम होंगे आपके घर के जो आप स्वयं करते होंगे। तो बच्चों, आप सभी को उसके बारे में यहाँ पे बताना है। इस तरह से बच्चों, आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।